अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 54। आज के इस लेसन में हम लेयर ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि लेयर ऑप्शन क्या होती है और इन पे किस तरह काम किया जाता है, हाउ टू मेक न्यू लेयर, हाउ टू ऐड ऑब्जेक्ट इन टू लेयर, हाउ टू मूव ऑब्जेक्ट लेयर टू लेयर एंड हाउ टू चेंज लेयर ऑफ लेयर कलर ऑफ लेयर। और आज के लेसन में हम देखेंगे लेयर के ऊपर कि आप लेयर के जो होता है ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लेयर में मूव किस तरह करते हैं, लेयर का कलर किस तरह चेंज करते हैं, नई लेयर किस तरह बनाते हैं, और इसके अलावा भी और काफ़ी सारे ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने ऑटोकैड 2007 में लेयर को ऑप्शन तो नहीं किया था, लेकिन मुझे काफ़ी सारी कॉल्स आई थी कि लेयर्स का उन्हें कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो इसलिए मैंने इस लेसन में लेयर्स को साथ में लिया है ताकि आपको लेयर्स का भी पता चले। तो प्रीवियस लेसन में हमने लेयर्स का ऑप्शन किया नहीं था, लेकिन हमने जब ड्राइंग्स बनाई थी तो उसमें हमने लेयर का यूजेस किए थे, लेकिन आपको समझ नहीं आई थी उस वजह से। तो मैं आपको पहले लेयर के बारे में समझा देता हूँ और बाद में जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो उसमें लेयर के यूज़ भी करेंगे। तो ऑटोकैड को मैंने ओपन किया और अब मैं यहाँ पे लेयर्स के ऊपर डिस्कस करता हूँ। तो आपको लेयर्स यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, मैच प्रॉपर्टीज के आगे ये प्रॉपर्टी जो है ये लेयर की प्रॉपर्टीज हैं, आप देख सकते हैं बाय लेयर, ये प्रॉपर्टी है लेयर की, देख सकते हैं कलर क्या है लेयर का, लेयर लेयर टाइप क्या है, और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी और ये सारे काम आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। तो आज के इस लेसन में हमने देखना ये है कि आप लेयर नई ऐड किस तरह करते हो, और ये सॉरी ये जो प्रॉपर्टी है लेयर की प्रॉपर्टी है, आपने आज ये काम करना है ये वाला लेयर का, तो इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये इस लेयर के ऊपर काम करेंगे कि हमने नई लेयर बनाने की इस तरह लेयर प्रॉपर्टी, ये भी आपके पास देखें, क्लिक करता हूँ तो लेयर प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और वो जो है तो वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है ऑनली, लाइन की प्रॉपर्टीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है, तो ये लेयर्स हैं इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो लेयर होती है, लेयर का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें लेयर का बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, और आपके ऑब्जेक्ट में आपके जो आप ड्राइंग्स बनाते हैं उसमें बहुत ईजी आप काम कर सकते हैं अगर आप लेयर का यूज़ करेंगे। तो लेयर के प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ तो उसमें ये सारे के सारे ऑप्शन सामने आ जाएंगे। आप देखें, अब जिस तरह यहाँ पे आपके पास है जी ऑफ, लेयर को ऑफ करने ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑल लेयर्स ऑन, तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास, अनलॉक और ये सारे ऑप्शन आपके पास यहां पे मौजूद है। अब यहां पे जो हमारे पास है, यहां पे अनएसोलेट एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये जितनी भी लेयर्स हैं अगर वो हाइड की हुई है तो उनको अनहाइड करने के लिए उसकी जाती है, तो ये भी यहाँ पे नया ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, और ये भी ऑप्शन नया दिया हुआ है, तो इन सारे ऑप्शन के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आज के इस लेसन में हमने लेयर के ऊपर क्या क्या काम करना है, तो पहला तो काम ये करना है कि लेयर ऑप्शन में हमने देखना है जी हाउ टू मेक न्यू लेयर, एक नई लेयर कैसे बनाते हैं, और वो लेयर प्रॉपर्टीज में लेयर ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑफ है, तो लेयर यहाँ से प्रीवियस लेयर है, नेक्स्ट लेयर है, तो अब ये जो ऑप्शन आएंगे वो आपके पास लेयर प्रॉपर्टीज में क्लिक करें तो यहाँ से आप न्यू लेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे हम न्यू लेयर कैसे बनती है। तो आज हम इस ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो ये वही ऑप्शन है जो यहाँ पे भी दी हुई है, और इसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन लेता हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या फिर मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ हो तो मैं उसको ओपन करता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, ओके, और इसी को ऑफसेट देता हूँ, बल्कि इस रेक्टेंगल को मैं एक स्पेसिफिक लेंथ देता हूँ, आर ई सी एंटर, और एट द रेट ऑफ 20 फुट कामा 10 फिट एंटर, स्पेस स्पेस,
चेंज, मैंने इसका लेयर का स्टाइल चेंज किया हुआ है। इसको सिलेक्ट करके आप इसको ख़त्म करें और इसको बाय लेयर करें और इसको भी बाय लेयर करें। ओके, जेड स्पेस ए स्पेस ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर 9 इंच एंटर, अब ये फॉर एग्जांपल एक रोम है ये जो भी चीज़ है, तो इसके लिए मैं एल एंटर, रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से। एंड एंटर, और एंटर 2 इंच एंटर, ओ एंटर 2 इंच एंटर, और ओ एंच 4 फिट एंटर, टी आर डबल एंटर, एल एंटर, या इसके लिए मैं चैम्फर कमांड अप्लाई करता हूँ, सी एच ए एंटर, इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ चैम्फर करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को टी आर डबल एंटर, ओके। अब ऐसे ही एक मैंने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया जी, एल एंटर करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, आर्क ए एंटर, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, एक डोर का सिंबल है, जेड स्पेस ए स्पेस। अब यहाँ पे जो एक मैंने यहाँ पे एक विंडो ड्रॉ की है, एल एंटर, मिड पॉइंट से एक मैं लाइन देता हूँ, एक सिंपल सी यहाँ पे एक मैंने विंडो ड्रॉ की और एक डोर ड्रॉ किया, और अब मैं यहाँ पे इनको अलग अलग से लाइन या लेयर्स बनाना चाह रहा हूँ, इन लेयर्स में मूव करना चाह रहा हूँ। तो पहले तो मैं एक लेयर बनाता हूँ, नहीं तो नई लेयर बनाने के लिए लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, और जब लेयर प्रॉपर्टीज पे अपने क्लिक करना है तो प्रॉपर्टीज में आप एक न्यू लेयर बनाएं, तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाता हूँ, न्यू लेयर बनाता हूँ और आल्ट एन से न्यू लेयर बनती है, न्यू लेयर का नाम यहाँ पे दे देता हूँ मैं, विंडो, विंडो नाम दे दिया मैंने उसको। ओके, अब विंडो जो नाम दी है ये तो नई लेयर बन गई पैरेलल लेसन, और अब इस विंडो की लेयर में ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, लाना है, तो उसका क्या तरीका है, तो उसके अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। और उससे पहले मैं अब यहाँ पे इसका कलर भी चेंज करता हूँ विंडो का, तो आप यहाँ पे कलर बार पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को ओके कर दें, क्लाइंट का कलर दे दें। ओके ओके, ये काम मैंने किया, करने के बाद मैं इसको यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, और अब ये जो विंडो मेरे पास बनी हुई है ये सिर्फ यहाँ से ये विंडो है, और ये अब ये जो मेरी विंडो है इस विंडो को मैं मूव करना चाह रहा हूँ लेयर में, तो मूव करने के लिए यहाँ पे लेयर है 0 और यहाँ पे एक विंडो की लेयर भी है, तो आप विंडो की लेयर पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके पास कलर भी चेंज हो गया
और विंडो का स्टाइल भी चेंज हो गया, देख सकते हैं। तो ये एक नई लेयर बनी और एक विंडो हमारे पास उस लेयर में चली गई। अब इसी तरह हम एक दरवाजे की कोड लेयर बनाते हैं, डोर की सिलेक्ट किया और ये भी एरिया सिलेक्ट किया, और यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और एक मैं नई लेयर बनाता हूँ और न्यू लेयर डोर के नाम से, और इस लेयर को मैं यहाँ से इस बटन पे क्लिक करता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये कलर दे दिया मैंने, ओके, और क्लोज करता हूँ इसको मैं। अब इस लेयर, इस ऑब्जेक्ट को उस लेयर में मूव करने के लिए मैं सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि बाय लेयर, और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके यहाँ पे डोर की लेयर पे इसको ले जाएं, और उसके अलावा फिर इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करें, अब इसको भी डोर की लेयर पे ले जाएं, ओके। तो ये जी हमारा ऑब्जेक्ट डोर वाली लेयर में चला गया, और अगर ये नहीं गया तो इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको भी डोर वाली लेयर में ले जाएं, ओके, देख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास जी यहाँ पे लेयर्स बनी और लेयर्स में मूव हुए जी। ओके, लेयर चेंज कलर ऑफ लेयर, लेयर का कलर भी चेंज कर लिया, ऑब्जेक्ट को भी मूव कर लिया लेयर में। तो ये था जी आपका लेयर का फर्स्ट लेसन, क्या हमने लेयर किस तरह बनाई और लेयर में अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह मूव किया। तो नेक्स्ट लेसन में अब इन लेयर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि इनमें आप इसको आप डिलीट नहीं करना चाहते तो डिलीट कैसे नहीं करेंगे, और भी इसमें काम देखेंगे। और इसके अलावा इसी लेयर को यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऑफ करता हूँ लेयर, और हाइड अनहाइड कैसे करते हैं लेयर को और फ्रीज कैसे करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। अब लेयर टू लेयर का फंक्शन ये है कि अब एक लेयर तो मेरे पास ये बनी हुई है आप देख सकते हैं, और दूसरी लेयर में बनाता हूँ एक और, यहाँ पहले एंटर करता हूँ, एल इंटर, ट्रिम टी आर डबल इंटर, और यहां पे मैं इसको भी आर्क देता हूं, ए इंटर, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन सेकंड पॉइंट एंड क्लिक ऑन थर्ड पॉइंट। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को एक और लेयर देता हूँ, लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके एक और लेयर बनाता हूँ, और इस लेयर को भी देता हूँ डोर वन, ओके, क्लोज। इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ लेयर वन में, तो यहाँ पे क्लिक करें और इस ऑब्जेक्ट को, सॉरी, डोर वन में क्लिक मूव कर दिया मैंने। अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से एक ही लेयर में लाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वो लेयर ऑप्शन वापस आ गया। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैं एक ही लेयर में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक ही लेयर में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से भी सिलेक्ट करता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे क्लिक करके डोर वाले ऑब्जेक्ट पे ले जाता हूँ। तो अब ये मेरे दोनों ऑब्जेक्ट एक ही लेयर में कंबाइन हो गए हैं देख सकते हैं, और मैं इस डोर वन वाले ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट करें और डिलीट करने के लिए सिलेक्ट किया, और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं लेयर को, डिलीट हो गया। अब देखिए वो वाला ऑब्जेक्ट लेयर टू लेयर मूव हो गया। तो ये कुछ लेयर के फंक्शन होते हैं, लेयर के फायदे होते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको लेयर के बारे में समझ आया होगा कि लेयर क्या होती है और लेयर पे किस तरह काम किया जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे और कुछ और काम करेंगे लेयर के ऊपर, जो कि इम्पॉर्टेंट काम है कि लेयर को हाइड कैसे करना है, अनहाइड कैसे करना है, और उसके अलावा फ्रीज कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।